बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बिजरोल गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी जिसमें पुलिस ने बिजरोल गांव के जंगल में जाकर उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जिसमें अवैध रूप से तमंचे बनाए जा रहे थे, जिसमें एक आरोपी इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक दर्जन से ज़्यादा अवैध तमंचे, गोली व जो बनाने की जो मशीन है वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ली है, और जो एक आरोपी वहां मौके से फरार हुआ है फिलहाल पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन से लगातार युवाओं में तमंचा प्रेम देखने को मिल रहा था, जहां युवाओं के हाथ में लगातार तमंचे देखने को मिल रहे थे, जिसकी पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी कि कहाँ इसकी फैक्ट्री है और किस तरीके से इन युवाओं के हाथ में तमंचे पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर मुखबिर की सूचना पर बड़ौत पुलिस के हाथ एक ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहाँ अवैध जो असले की जो फैक्ट्री है उसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अब इस पूरे मामले पर और कितने लोग हैं, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और कहां कहां इन लोगों के लिंक है तमाम बिंदुओं पर जांच करें और उनको भी उनकी गिरफ्तार तक भी हाथ पहुंचाने की बात करी है। कल रात भी थाना बड़ौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्त शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में शस्त्र बना रहे हैं। तत्काल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बिजरोल ग्राम के पहले ही एक खंडहर के मकान में वहाँ पर दबिश दी गई। वहाँ पर दो अभियुक्त थे, एक अभियुक्त भाग गया कोहरे का फायदा उठाते हुए, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 12 दर्जन अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखले कारतूस बरामद हुए हैं। शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। पकड़ा गया अभियुक्त कौन है और इसका इतिहास क्या है? पकड़ा गया अभियुक्त इरशाद है, ग्राम दोगट का रहने वाला है और इसके ऊपर 5 से अधिक मुकदमे हैं, जिस पर गैंगस्टर गोवध अधिनियम के मुकदमे हैं। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।